हाल ही में जो जगन गुर्जर जिसका आपराधिक इतिहास है, उसने जिस प्रकार से जो वीडियो डाल करके एक जनता में दहशत पैदा करने की कोशिश की, वो हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तीनों प्रांतों में मलिंगा जी के साथ इतना जनसमर्थन है कि अगर किसी भी गुंडे, किसी भी बदमाश के अगर नज़र उठाई तो उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए जनता तैयार है, और एक अगर आँख उठाएगा तो दोनों आँख निकालने की क्षमता ग्वालियर चंबल के लोग रखते हैं। और इसलिए हम सब इकट्ठे होकर के पूरी तोमरघार, पूरा सिकरवारी क्षेत्र, जादव माटी और बाकी हमारे सुमावली विधायक पुष्पा जी भी साथ में है, पूरा समाज, तो सब लोगों ने ये तय किया है कि अगर किसी ने भी गलत नीयत से कोई हरकत करने की कोशिश की तो हम लोग किसी भी प्रकार से चुप बैठने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वहाँ उन्होंने शरण ले रखी है जगन गुर्जर ने। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा यदि सरकार ने उनका ध्यान नहीं दिया और उसको पकड़ करके तत्काल अंदर नहीं सलाखों किया। और ये मैं आज इसी संबंध में, हम बड़ी संख्या में यहाँ बाड़ी आए हैं ये कहने के लिए कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। दो दिन पहले दसवीं जगन गुर्जर के नाम से कुछ बदमाशों ने गाड़ियों को भी टारगेट किया जिन पर परमार गार्ड लिखा हुआ था, परमार का बोर्ड था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि राजनीति में अपराध का कोई, अपराध की दुनिया का कोई स्थान नहीं होता। यदि वो इतने बड़े बड़ा बहादुर है तो चैलेंज रख करके, समय रख करके, तय कर करके आ जाए। मैं तो मलिंगा जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को। बाड़ी आगमन हुआ है, क्या कारण रहे आज आपको बाड़ी आना पड़ा? आज जो मेरे बड़े भाई मलिंगा जी, जो आपके यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं, उनके साथ में कुछ जसवंत सिंह के समुदाय या इधर सिंह के जो समाज के लोग हैं, उन्होंने कुछ वीडियो जो बनाए थे और मेरे बड़े भाई ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और मैं भी क्योंकि बहुत लगाव रखता हूं उनसे, वो मेरे प्रचार में रहे, मुझे उन्होंने आज विधायक पद पर बिठाला है। लेकिन मैं भी अपनी ओर से कह देना चाहता हूं, चाहे वो इधर सिंह हों, चाहे वो जसवंत सिंह जी हों, कि इस तरीके की हरकतों से कोई राजनीति नहीं होती है। अगर उनमें खुद में दम है या उनके समाज में दम है तो माने मलिंगा जी भी वहीं रहते हैं और मैं भी उनके बीच में राजनीति कर रहा हूँ। उनको हराया है मैंने, मलिंगा जी की देन है। लेकिन मैं खुला चैलेंज किया, पहले भी किया, आज भी करता हूँ उनके समाज को। अगर कोई चुटपुट की लड़ाई हो जाए, चोर चपट्टों जैसी लड़ाइयों में कोई मज़ा नहीं आता। अगर लड़ाई लड़नी है तो चोरे दिन रखे आ जाए, किसी भी समय आ जाए, कहीं भी आ जाए। अगर वो नहीं आ पाए, वो हमें बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये इस तरीके की चोटी राजनीति राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं भाजपा वालों के बड़े नेताओं को कि अगर इस प्रकार की राजनीति करवाना चाह रहे हैं वो अपने लोगों से, तो गलत है ये बात। क्योंकि जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, इस प्रकार के नेता चुन भी जाते हैं तो जनता चुनती है कि हमारा कोई विकास हो, हमारे दुख सुख में शामिल हो। ये लोग तो चुनने के बाद तुरंत अपने, इनकी एक टीमें बना रखी हैं उन्होंने, चोरों की टीमें बना रखी हैं, डकैतों की टीमें बना रखी हैं, डकैतों का सहारा लेके। अगर ये डकैत इतने बड़े लोग नहीं हैं, ये अगर जनता का जिस दिन मूड बन गया, अगर हम लोगों ने जिस दिन मूड बना लिया, उस दिन इनको भक्त रास्ता नहीं मिलेगा। जो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इनकी राजनीति बहुत गंदी है। और जो गुर्जर समाज की तो वैसे भी बड़े बूढ़ों ने कहा है, बंदर धमकी है। अगर बंदर धमकी में कोई आ गया तो जो उसके पीछे पड़ जाएंगे, और नहीं तो इनके सामने अगर एक बार लड़ाई लड़ने के लिए चैलेंज कर दो तो ये कोसों नजर नहीं आते। ये इतिहास है चंबल का। सुनने में आ रहा है कि दसवीं जगन गुर्जर भी MP में, मध्य प्रदेश में शरण लिए हुए, जैसे लोकवाण बुद्धजीवी लोगों ने कहा है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो किधर आता है? शहर की तरफ। जगन की अब मौत आ गई है, जगन शहर की तरफ आ गया। और जगन इस लड़ाई के मैं अगर भाग ले रहा है तो मैं अपने बड़ों से कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं, जगन 10-20 दिन के अंदर। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।